हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिकेश बानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। इन द लास्ट लेक्चर वी विल कंप्लीटेड द टॉपिक प्रेशर मेजरमेंट। इन टुडेज सेशन वी विल सी द टॉपिक 5.4, दैट इज फ्लो मेजरमेंट अंडर द यूनिट 5, एप्लीकेशंस ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। सो द प्रीरिक्विजिट्स आर इंट्रोडक्शन टू प्रेशर मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ प्रेशर are the two topics learned in the last lecture. Now in today's lecture we will see the flow measurement, then the variable head flow meters and variable area flow meters. So these are the prerequisites of our today's lecture. So before start our today's lecture, we will see what are the learning outcomes. So the learning outcomes of our today's lecture are: you will able to learn about the flow measurement, then you will able to understand the variable head flow meters, and you will able to learn about the variable area flow meters. So these are the learning outcomes of our today's topics. So the flow measurement. The flow measurement is required for quantifying the liquid material supply. Flow measurement is required for quantifying the liquid material supply. जो liquid material supply होता है उसको quantify करने के लिए flow measurement यूज होता है। मतलब कितना फ्लो जा रहा है, कितना लिक्विड हमारा लिक्विड मटेरियल सप्लाई हो रहा है, वो लिक्विड मटेरियल क्वांटिफाई करने के लिए हमें फ्लो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। देन इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द स्पेसिफिक रेट ऑफ फ्लो। तो ये आल्सो इज यूज फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द स्पेसिफिक रेट ऑफ फ्लो। देन इन मेनी प्रोसेसेस दैट इज प्लांट इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो। अब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से पावर स्टेशन से उन पावर स्टेशन का जो प्लांट है वो प्लांट की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है? एक्यूरेट मेजरमेंट और कंट्रोल ऑफ फ्लो पे। तो फ्लो मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्लो कैन बी मेजर्ड एज अ वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी और एन इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट। तो फ्लो मेजरमेंट ये कैसे मेजर्ड होता है? एज अ वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी और इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट। So this is the flow measurement. Now mass flow rate. So the mass of substance or fluid which passes through a given surface per unit time is known as mass flow rate. So this is the definition of mass flow rate. तो क्या है definition? The mass of substance or liquid जो pass होते हैं, कहाँ से pass होते हैं? Through a given surface पर यूनिट टाइम पे जो पास होते हैं उसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। उसका फार्मूला क्या है? मास फ्लो रेट दैट इज एम स्मॉल एम इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एम बाय डेल टी इक्वल टू डी एम बाय डी टी वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सरफेस पर यूनिट टाइम स्मॉल टी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मास फ्लो रेट। देन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। So the definition of volumetric flow rate is the volume of fluid which passes through a given surface per unit time is known as volumetric flow rate. तो definition क्या होगी? जो flow rate का volume होता है liquid का, तो liquid का जो volume होता है वो pass होता है given surface per unit time पे, उसको बोलेंगे हम volumetric flow rate. तो उसका formula क्या बन गया? Volumetric flow rate is capital Q equal to limit del T tends to zero डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सो द पैरामीटर्स आर डेफिनेशन, फार्मूला एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड द फर्स्ट कॉलम इज फ्लो रेट, सेकेंड कॉलम इज फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सो द डेफिनेशन ऑफ फ्लो रेट इज इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड विच पासिस थ्रू अ गिवन सरफेस per unit time is the mass flow rate. And what is volumetric flow rate? It is the volume of fluid which passes through a given surface per unit time is the volumetric flow rate. So this is the definition of mass flow rate and volumetric flow rate. Then second parameter is formula. So the mass flow rate is given by small m equal to limit del t tends to 0 into del m by del t equal to dm by dt where m is the mass of substance through a surface per unit time that is small t, whereas
The volumetric flow rate is given by capital Q equal to limit del T tends to 0, del V by del T is equal to dV by dt, where capital V is the flow of volume of fluid through a surface per unit time T. Then the third parameter is effect of increase in a temperature. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट मास फ्लो रेट पे क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पे क्या होता है वो देखेंगे. सो इन मास फ्लो रेट व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर द मास फ्लो रिमेंस कांस्टेंट. मास फ्लो क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है इवन इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर. बट इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पे क्या होगा, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर तो इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इंक्रीजेस. मतलब हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो दिस इज द थर्ड पैरामीटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. देन द वेंचुरी मीटर. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ वेंचुरी मीटर. सो ये हो गया हमारा इनपुट, दिस इज हमारा आउटपुट हो गया. सो फ्लूइड फ्लो इन, यहाँ से इनपुट जाएगा फ्लूइड विच इज गिवन बाय नंबर वन, देन आउटपुट इज फ्लूइड फ्लो आउट. अब यहाँ पे कास्ट आयरन और स्टील पाइप यूज किया है, देन इंक्लिनेशन एंगल इज 20 डिग्री एंड दिस इज इंक्लिनेशन एट 7 डिग्री एंगल. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल फ्लो ऑफ डायग्राम ऑफ वेंचुरी मीटर. नाउ वी विल सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर. अभी वेंचुरी मीटर कैसे वर्क करता है उसका प्रिंसिपल देखेंगे. सो व्हेन फ्लूइड अंडर प्रेशर पासेस थ्रू कन्वर्जिंग पाइप्स, जो हमने डायग्राम में देखा है पाइप्स उसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग पाइप्स. दे गेन स्पीड बट लूज हेड एंड रिवर्स हैपन्स व्हेन फ्लूइड पास थ्रू डाइवर्जिंग पाइप्स. सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल. नाउ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर. So the venturi meter is a device which is used for water flow measurement. अब venturi meter ये एक device है, किस लिए यूज होता है वो, for flow of water measurement. Water flow का जो measurement होता है उसके लिए हम venturi meter use करते हैं. Then it is a simple instrument, एक simple instrument है. Then the venturi meter tube is made up of steel or cast iron. अभी डायग्राम में हमने देखा उसका जो ट्यूब होता है वेंचुरी मीटर का वो किसका बना रहता है, स्टील का या फिर कास्ट आयरन का. इन केस ऑफ वेरी लार्ज साइज ऑफ ट्यूब्स पोर्ड कॉन्क्रीट इज यूज्ड. अब अगर बहुत बड़ा साइज का ट्यूब बनाना है तो वो कैसे बनेगा, पोर्ड कॉन्क्रीट से यूज करेंगे, उससे वो ट्यूब बनाएंगे. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मे बी इन रिवर्स डायरेक्शन एज वेल. अब उसका जो फ्लो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी रह सकता है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मीटर. अब वेंचुरी मीटर के एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे. सो फर्स्ट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल है. देन एफिशिएंट डिवाइस है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है एंड बेटर प्रेशर रिकवरी. जो प्रेशर है वो रिकवर करने का, जो प्रेशर रिकवर करने का जो रेट है वो अच्छा है. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मीटर. देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मीटर. अभी वेंचुरी मीटर का डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे. सो द मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड. अभी हमने डायग्राम में देखा वेंचुरी मीटर कैसे लार्ज साइज में होता है तो उसका जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है. सो मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड. देन कास्ट इज मोर, उसकी जो कॉस्ट है वेंचुरी मीटर की वो महंगी है, ज़्यादा कॉस्ट है. सो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मीटर. नाउ द रोटामीटर. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ रोटामीटर. अब देखो यहाँ पे जो इनलेट है वहाँ से फ्लूइड फ्लो होगा, यहाँ से ये फिर इधर जाएगा कैलिब्रेटेड स्केल तक जाएगा. यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल है, ये फ्लोट है. देन दिस इज टेपर्ड ग्लास मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट. ये जो ग्लास ट्यूब है ये टेपर्ड जो ग्लास है ये किससे बना है, बोरोसिलिकेट से. देन दिस इज द आउटपुट आउटलेट. तो यहाँ से फ्लूइड हमारा फ्लो हो जाएगा आउटलेट से. सो दिस इज द रोटामीटर.
नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटामीटर, अभी रोटामीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखेंगे. सो द रोटामीटर वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. देन द रोटामीटर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करने के लिए रोटामीटर यूज होता है. नाउ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटामीटर, अभी रोटामीटर का जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो देखेंगे. सो द रोटामीटर मेजर्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. अब ये जो रोटामीटर है ये क्या मेजर करता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करता है. देन इट इज मेड अप ऑफ टेपर्ड ग्लास ट्यूब ऑफ बोरोसिलिकेट. अब इसका जो ग्लास होता है, ग्लास ट्यूब होता है, वो टेपर्ड ग्लास ट्यूब जो होता है वो मेड अप ऑफ किससे होता है, बोरोसिलिकेट से. बोरोसिलिकेट मटेरियल से वो ग्लास ट्यूब बना रहता है. देन इट कैन हैंडल हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड. अब वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड हैंडल कर सकता है रोटामीटर. देन इट्स सरफेस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू केमिकल फ्लूइड्स. तो इसका जो सरफेस होता है रोटामीटर का, ये अफेक्टेड नहीं होता है ड्यू टू किसे, केमिकल फ्लूइड से. अगर केमिकल फ्लूइड्स पे गिर गया तो हमारा जो सरफेस है रोटामीटर का वो अफेक्ट नहीं होगा. देन द टेपर्ड ग्लास ट्यूब इज माउंटेड वर्टिकली. तो ये जो टेपर्ड ग्लास ट्यूब होता है ये वर्टिकली माउंटेड होता है. अ फ्लोट इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड फ्लो पाथ. अब जो फ्लोट होता है जो हमने डायग्राम में देखा वो कहाँ पे रखा हुआ है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो पाथ होता है उसमें वो फ्लोट को प्लेस किया है, जो हमने डायग्राम में देखा ही है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटामीटर. देन द फ्लोट इज हेवियर देन लिक्विड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अब जो फ्लोट रखा है वो ग्लास ट्यूब के अंदर वो हेवियर होता है किससे, लिक्विड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से. फ्लूइड का जो लिक्विड डेंसिटी होता है उससे वो हेवियर होता है. देन द फ्लो इज ओरिएंटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. द फ्लो कॉजेज मूवमेंट ऑफ फ्लोट. अब जो फ्लो हमारा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, तो हमारा फ्लो कॉजेज क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फ्लोट. देन द फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लोट इफेक्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड. अब हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर है और फ्लो इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है दोनों भी, तो उसके वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड. देन एट इक्विलिब्रियम द फ्लोट पोजिशन डायरेक्टली इंडिकेट्स द फ्लो रेट ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो हमारा फ्लोट पोजिशन होता है वो डायरेक्टली क्या इंडिकेट करेगा, फ्लो रेट. अब ये फ्लो रेट किस पे इंडिकेट होगा, कैलिब्रेटेड स्केल पे. देन द एडवांटेजेस ऑफ रोटामीटर, अभी रोटामीटर की जो एडवांटेजेस है वो देखेंगे. सो द रोटामीटर कैन बी यूज फॉर वाइड वेराइटी ऑफ फ्लूइड्स. जो वाइड वेराइटी ऑफ फ्लूइड्स होता है उसके लिए हम रोटामीटर यूज करते हैं. एंड द स्केल ऑफ रोटामीटर इज लीनियर. इसकी जो स्केल होती है रोटामीटर की ये लीनियर होती है. देन प्रेशर लॉस इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज निग्लिजिबल. अब इसमें जो प्रेशर लॉस होता है ये जो है ये कॉन्स्टेंट होता है प्रेशर लॉस, और वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है. तो ये हमारा एडवांटेज हो गया रोटामीटर का. देन द डिफरेंट डेंसिटी फ्लूइड फ्लो रेट कैन बी मेजर्ड. अब डिफरेंट डेंसिटी के जो फ्लूइड फ्लो रेट होते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं. कौन सी भी डेंसिटी का फ्लूइड फ्लो रेट अगर मेजर करना है तो हम रोटामीटर यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एडवांटेज हो गया. देन द फ्लो इज विजिबल ड्यू टू ट्रांसपेरेंट ग्लास. अब इसका जो रोटामीटर का ट्यूब होता है ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना रहता है, उसके वजह से हमें उसका जो फ्लो होता है फ्लूइड का फ्लो वो हमें दिखता है. सो ये भी एक एडवांटेज हो गया रोटामीटर का. देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोटामीटर. सो रोटामीटर के डिसएडवांटेजेस देखेंगे. सो रोटामीटर इज टू बी यूज इन वर्टिकल पोजिशन ओनली. अब ये जो रोटामीटर है ये सिर्फ वर्टिकल पोजिशन में ही हम यूज कर सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. देन द कॉस्ट इज मोर फॉर हायर रेटिंग. अगर हमें हायर रेटिंग का अगर रोटामीटर लेना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट इज मोर. देन द कंस्ट्रक्शन इज नॉट एज रोग्ड एज वेंचुरी मीटर. अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है रोटामीटर का ये वेंचुरी मीटर जैसा रोग्ड नहीं है. देन इफ ओपेक फ्लूइड इज यूज द फ्लोट इज नॉट विजिबल. अब ये ओपेक टाइप का जो फ्लूइड होता है अगर वो हमने यूज किया तो हमारा फ्लोट ये विजिबल नहीं होगा. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोटामीटर. अभी हम प्रोग्राम आउटकम्स देखेंगे. आपको प्रोग्राम आउटकम्स
पता ही है ईएमआई सब्जेक्ट के, तो टोटल कितने पीओज है हमारे, 10 पीओज है, PO1 to PO10। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स लिए उस टॉपिक्स को कौन से पीओज मैप होते हैं वो देखेंगे। तो हमारा PO1, PO3, PO4, PO8 और PO10, ये 5 पीओज हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स को मैप करते हैं। सो दीज आर द पीओ मैपिंग्स। नाउ वी विल समराइज अवर टूडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या देखा, फ्लो मेजरमेंट देखा, देन वेंचुरी मीटर देखा दैट इज वेरिएबल हेड फ्लो मीटर, और रोटामीटर देखा दैट इज विजिबल वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। तो ये हो गया हमारे समरी। सो थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पेशल ट्रांड्यूसर्स एंड मेजरमेंट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5, दैट इज स्पेशल ट्रांड्यूसर्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू।